तो आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। मैंने 6 टमाटर लिए हैं, मैं उनके लंबे लंबे पीसेस कर रही हूँ। ये मैंने 100 ग्राम गुड़ लिया है, पानी ये ऑप्शनल है 1/2 कप, और काला नमक, जीरा, सेंधा नमक, 1 चुटकी हींग, काली मिर्च, भुना जीरा, कद्दूकस की हुई 100 ग्राम अदरक, हरी मिर्च और लौंग। मैं 1 टेबल स्पून कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ। सबसे पहले साबुत जीरा, हींग, फिर लौंग, फिर अदरक डाल लेना है। फिर इनको हल्का सा भून लेना है। अब इसमें हम टमाटरों को डाल देंगे। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं हल्दी, काला नमक, सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा, इसमें हमें 4 कटी हुई हरी मिर्च और किसी भी काली मिर्च को डालना है, और तब तक चलाना है जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से पक नहीं जाते हैं। अब हमें इसमें गुड़ डालना है। गुड़ डालने के बाद फिर इसको अच्छे से चलाते रहना है कम से कम 5 मिनट। अच्छे से जब ये गुड़ इसमें मिक्स हो जाएगा तो, और इसको लगातार चलाते रहना है क्योंकि नीचे गुड़ चिपक जाता है। और इसमें पानी आप डाल सकते हैं, क्योंकि टमाटरों ने पानी ज़्यादा छोड़ा है तो मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। अब ये चटनी पूरी तरह से बन चुकी है, टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है। इसे पूड़ी या पराठे के साथ खाया जा सकता है।